बाद में तो अलग ही आनंद आवत है एसी के। बैंक में अंदर घुसते ही खेमत कूल कूल है जाते। लाभ आया उठा काने करवा लूं। मैडम जी मैं अपना खोलना चाहता हूँ। क्या बाबा मेरा मतलब है मैं आपकी बैंक में अपना अकाउंट खोलना चाहता हूँ। क्या आप मेरा खोलने में मदद करोगी? नहीं अकाउंट हाँ क्यों नहीं, मेरा तो काम ही यही है दूसरों का खोलने में मदद करना। भला तुम्हारी मदद क्यों नहीं करूँगी? वैसे तो मैं भी लोगों की मदद करता हूँ खोलने में, लेकिन फिलहाल तुम मेरा खोल दो। ठीक है ठीक है, पहले तुम ये बताओ कि कौन सा खोलोगे? अरे मैडम जी जेव को पूछने की बात है, आप कहो वो ही खोल दूंगा। या नीचे बाला या दाएं बाला या बाएं बाला, आहार बाला अंदर बाला, आप जो कहो वो खोल दूंगा। मैं तो अंदर के अंदर बाला भी खोल के दिखा सकता हूँ, बस आप मौका तो दो। नहीं अकल से पैदल हो क्या? कुछ भी बकवास किए जा रहे हो, मैं अकाउंट की बात कर रही हूँ जो तुम खुलवाने के लिए आए हो। जल्दी बोलो सेविंग या करेंट? ना ऊपर गाड़ी आई है मैडम और ना ही नीचे। फिर सेविंग की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हाँ मैडम जी, अगर आप नीचे हाथ लगाओगी तो आपको करंट जरूर लगेगा। अबे हैवानियत के अंदर से निकले हुए चूजे, मैं सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट की बात कर रही हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। जल्दी से ये फॉर्म भर के दो। ठीक है मैडम जी, आप निकाल कर दो, मैं भर कर देता हूँ फॉर्म। ये लो जल्दी से सही सही भर कर दो। अरे मैडम जी पेन तो दे दो, जब ही तो भरेंगे। नहीं तुझ पर नहीं है क्या पेन, अपने से भर ले। अरे मैडम जी पेन तो हतो है, पर जी तुम्हारा फॉर्म खराब है जाओ मैं पेन पे। क्यों खराब कैसे है जाओ? अरे बबा मैडम जी मेरा पेन ने तो स्याही ज्यादा फेंक जाता है। कमाऊ कमाऊ जाहिल गमार, ढंग का पेन नहीं रख सकते तो तुम बैंक अकाउंट में पैसा क्या रखोगे? अरे मैडम जी तुम्हें फोन तो दे हुए मेरा 9-10 महीना के काय निच्चू कर देंगे। क्या बबा मैं मैडम जी इकट्ठे पैसा डाल देंगे, बहुत दिन आगे काय निच्चू है जाऊंगा फिर मैं। क्या यहीं पर अकाउंट आपको भी खुलवानी है? हाँ मुझे भी खुलवानी है, तब तो आप बिल्कुल सही जगह पर आई हो। यहाँ भी खोला जाता है और बैंक के पीछे भी खोला जाता है। बैंक के पीछे तो जंगल है, वहाँ कैसे खुलेगा और कौन खोलेगा? अरे मैं हूँ ना खोलने के लिए, और वैसे भी तो जंगल में ही मंगल होता है ना। और आपको जंगल से डर लगता है तो आगे एक होटल भी है, वहाँ पे चल सकते हैं। नहीं लेकिन वहाँ कैसे खुलेगा? अरे आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। एक बार खुल गया ना तो समझो जीवन भर आनंद ही आनंद है। क्या बक रहे हो, मैं यहाँ अकाउंट खुलवाने के लिए आई हूँ और तू तब से बदतमीजी कर रहा है मुझसे। अरे बाप रे, सोचा था ये तो जलेबी जैसी मीठी होगी लेकिन ये तो हरी मिर्ची जैसी तीखी निकली। सही पका है बेटा, अगर ज्यादा बोलेगा तो पिछवाड़े तक जलन होगी। अरे बेटा यहीं पर अकाउंट खोला जाता है क्या? अरे हाँ यहीं पर खोला जाता है, लेकिन आप खोल कर क्या करोगे? आपका तो अब सारा फाइल क्लोज होने वाला है, ऊपर वाले का बुलावा आता ही होगा अब। अरे लल्लू कैसी बात कर रहे है तू, तोते तो बड़े इनते बात करवे की तमीज ना है। नहीं तुम्हें तो बहुत ज्यादा तमीज है ना बात करवे की। ऐसा करो मैं बत्ती बना के बैठा नहीं, उसलिए तां सुलगती रहती है। एक तो वैसे ही माँ तो खराब चल रहा मियो, और जित चले हमने तमीज सिखाए के काए। अरे लल्लू कम से कम उम्र को तो ख्याल कर ले, मैं तो दादाजी की उम्र को हूँ। ठीक है मेरे पूज्य दादाजी के हम उम्र, आपको सत सत नमन, कर लिया आपके उम्र का लिहाज। नहीं अब निकालो 100 रुपए। 100 रुपए? लेकिन वो क्यों? चॉकलेट खा।
खाने के लिए। लेकिन तुम्हें चॉकलेट खाने के लिए मैं क्यों दूँ? आपके भी तो मेरे जैसे बड़े पोता पोती होंगे। हाँ, ते चार चार पोते हैं, लेकिन उससे क्या? उन्हें चॉकलेट के लिए पैसे तो देते ही होंगे ना? हाँ देता हूँ, रोज देता हूँ। तो मेरे दादाजी के हम उम्र मुझसे केवल इज्जत ही करवाओगे, चॉकलेट खाने के लिए कुछ दोगे नहीं? बस देने के नाम पे आवाज लड़खड़ाने लगी, जल्दी निकालो चॉकलेट के लिए पैसे, भरना। भरना क्या? भरना जितनी इज्जत की है ना, उससे ज्यादा उतार दूंगा। अरे लाला ये कौन सी बात है यार? निकालते हो 100 रुपए या निकालूं तुम्हारी इज्जत की बारात? ठीक है ठीक है, ये लो 100 रुपए। जुगु जुगु जियो मेरे दादाजी, अब लाइन में लग जाओ चुपचाप। पहले मैडम मेरा खोलेंगी फिर आपका। क्या मैडम खुद अपने हाथ से खोलती हैं क्या? अकाउंट खोलती हैं, अपने हाथ से नहीं खोलेंगी तो आपके लंग। और मेरा कब खुलेगा? पैसे तो आपका थोड़ा खुलाई है, अगर आप फिर भी बोलोगी तो पूरा खुल जाएगा। लगता है एक थप्पड़ से कुछ भी नहीं हुआ तेरे, लगाऊं एक और खींच के? ओए लड़के, तब तो तू बकवास करने लगो है, ला फॉर्म दे जल्दी। अरे मैडम जी फॉर्म तो कब को भर के दे दियो, मैंने जी रखो तो तू टेबल पे, अब मेरा प्यार से खोल दो अकाउंट। बेटा मैं तो खाली अकाउंट ही खोलूंगी, लेकिन अगर तेने ज्यादा चेचे मेचे करी तो अंदर ले जाके गार्ड में तेरी हड्डी पसली करवा दूंगी। लगता है आज दिन ही खराब चल रहा है, आज प्यार से कोई बात ही नहीं कर रहा है, एक ने थप्पड़ जड़ दिया और दूसरी हड्डी पसली करवाने की बात कर रही है। ये क्या कोई फॉर्म ऐसे भरता है? अरे अब क्या है गयो मैडम जी, तेरे कछु गड़बड़ी है गई का? ये देखो किड्स की जगह क्या लिखा है, किया नहीं क्यूँकी मिला नहीं। और ऐसे कौन लिखता है? अरे मैडम जी ठीक ही तो लिखो है, अब जो सच्चाई थी वो मैंने लिख दी। पहले कभी कभी हिला लिया करता था, लेकिन अब जब से पता चला है कि इससे शरीर कमजोर होता है, तब से हिलाना भी छोड़ दिया। अरे ओ असली लिखा के पुजारी, यहाँ मेल या फीमेल लिखा जाता है, वो नहीं जो तुमने लिखा है। अरे मैडम जी मैं 100% मेल ही हूँ, यकीन ना हो तो खोल कर खुद देख लो, छोटा है पर मोटा है। रुक तुझे तो अभी दिखाती हूँ। अरे मैडम जी दिखाना तो मुझे है, आप बस देखने के लिए तैयार हो जाओ। लगता है तू अब ऐसे नहीं मानेगा। सिक्योरिटी जल्दी से इस कमीन को पकड़ कर ले जाओ और इसकी ऐसी मरम्मत करो कि ये कभी खुलवाने लायक ना रहे। हाँ हाँ इसकी तो मरम्मत होनी ही चाहिए, बड़ा बदतमीज लड़का है ये, सबको परेशान कर रखा है इसने। अरे ओ दादाजी भूल गए क्या मैं कौन हूँ? भूल तो तू गया बेटा, जन्नतेदार थप्पड़ याद है तुझे या फिर से याद दिलाऊं? चल बे आज तेरी ऐसी मरम्मत होगी कि खुद को भूल जाओगे। अरे अरे बाबूजी बाबूजी छोड़ दे। अरे ना आज ना छोड़ूं तो आज तो मरम्मत होगी तेरी। अरे भैया लग गई, छोड़ छोड़ दो लग गई।